23 बाईस के करीब प्रशिक्षु आमंत्रित अतिथिगण, देवियों सज्जनों और मित्रों, आज के पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस यादगार पल को आपके साथ साझा करने में मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। एक सुखद संयोग है कि आज रंग भरी एकादशी भी है और आज ही से आप अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। परेड में शामिल सभी 480 प्रशिक्षु ने सरदार प्रतिनंदन सिंह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इस ऐतिहासिक केंद्र में लंबा और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग में पिछले 9 महीने से आप जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा अब आ गया है। अब आपको पुलिस फोर्स की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलने वाला है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस का त्याग, समर्पण और बलिदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि आप एक ऐसे पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने मां भारती की अखंडता की रक्षा के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी। मैं इस अवसर पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के प्रशिक्षकों तथा प्रिंसिपल साहब, उनकी कड़ी मेहनत के धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बड़ी साधना से नई पीढ़ी के पुलिस कर्मियों को योग्य बनाया है, प्रशिक्षण दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे, साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और समुदाय की सेवा करें, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। सर, आपका जन्म 1 जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश के जिला, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से, जो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से परिचित रही, चली आ रही है राष्ट्र की ओर एक रिक्रूट कांस्टेबल जो आज सैल्यूटिंग बेस, उनके पीछे इस परेड की सेकेंड इन कमांड रिक्रूट कांस्टेबल निकिता राजपूत आयर सलामी मंच की ओर करता विल वॉक हैंड इन हैंड फॉलोइंग द फर्स्ट कॉन्टिजेंट इज द सेकेंड कॉन्टिजेंट ऑफ दिस परेड। वी हैव सदस्यता आगे बढ़ता हुआ 29वीं दीक्षांत परेड का रिक्रूट कांस्टेबल हारून दिलदार की जिले के आगे बढ़ना बनने वाला है चौथा दस्ता। तमाम सवाल है रिक्रूट कांस्टेबल लेखराज, इक्कीस नंबर बढ़ता हुआ आज तमाम सवाल है रिक्रूट कांस्टेबल मोहम्मद शफी भट्ट। आज की इस परेड की 10वीं टुकड़ी जिसको कमान कर रहे हैं साकिब जलाल, ठीक सलामी मंच के सामने से गुजरता है ये आखिरी 29वीं दीक्षांत परेड की आंश हौसला बढ़ेगा। ये महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की है हमारे से प्रगत होती हुई जो कांस्टेबल सुनाली था।